नारद का पदार्पण हुआ। आइए आइए महाराज। महाराज भीष्म का हाँ बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश ना है, खुशी वाली बात है। खुशी वाली बात है या खुशी हुई गई या होने वाली है? अब समझ लो महाराज, खुशी हुई गई। का खुशी है गई? पांच लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी। पांच? हाँ, परमात्मा की कृपा से लड़की ने जन्म लिया है। अच्छा, कछु पत्रात्रा लेके आए कि ना? महाराज पत्रा 24 घंटा संगई राखत, पता नहीं कब कितने घर जरूरत पड़ जाए। बेटी बोलाओ कहाँ है? आई लली को नामकरण संस्कार करते हैं। बिटिया को बोलाओ, जाओ बता दियो मोड़ी को ब्याह कहाँ है ब्याह। हाँ हाँ ठीक है, लली को बोलाओ। आगे बढ़ो, हाथ में जैसे हाथ देखा विद्वानों इतनी सुन के बात गुरुदेव हम मुनि ने हाथ पत्र का लियो। हम मुनि सोधी बाकी लगन उरे के नाम धारी दियो। रुक मिल जा को नाम सिद्ध सब काम देवन कियो। और श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो। ब्रख लग्न है, चंद्रमा उच्च का है, राशि का नाम इसका रुक्मिणी रखता हूं। और शादी क्या बोले? शादी तो भगवान कन्हैया के साथ में होगी। क्या कहा देव ऋषि नारद? हमारे घर में कन्हैया दामाद बन के आएंगे तो हमारी किस्मत ही बन जाएगी, मेरा जीवन बन जाएगा, मेरे परिवार का जीवन समर जाएगा। और बोले ऐसा ही नहीं, अरे खुशब कसी चाह गई तन में, राजा लिपट परो चरण में, उड़े पुण्यदान मेलन में, हर प्रमोदय खुशई आगन में, बड़े खुश हुए। गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। देव ऋषि नारद कहने लगे राजा भीष्म कर हाँ अब तो हम चलेंगे। चले हो काय और रोक ले हो, खाए पी ले हो। अब ना अब तो लड़ुआ बन रहा है, दही जमो है आज तो खा लो ले दही लड़ुआ। अब चलेंगे ना यार, रुक चले। और नारद बासे चल भाई रे मगन तपधारी, रोहित और प्यारा साल की हुई गई रे, हुई गई रे दुख में सो तुम्हारी। श्याम हमारा